अद्भुत नज़ारा जय भोले की। कैलाश मानसरोवर की यात्रा में, यहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा, ये जो रोड है, ये सब रोड देख रहे हैं, रोड ये कैलाश मानसरोवर जाती है। यहाँ पे आप देखे होंगे पुलिस वाले हैं, आर्मी और आरटीबीपी, ये हमेशा चेक करते रहते हैं। वही आर्मी कैंप है, यही रास्ता जाती है तिब्बत बॉर्डर यानी चाइना बॉर्डर, कैलाश मानसरोवर। ये ओम पर्वत, सामने ओम पर्वत है, इसके बाद आपको मिलेगा लेपुलेख दर्रा। दर्रा क्रॉस करेंगे, दो तीन पहाड़ी क्रॉस करेंगे, लेपुलेख दर्रा क्रॉस करने के बाद आपका तिब्बत बॉर्डर आ जाएगा। वहाँ से 20-25-30 किलोमीटर है कैलाश पर्वत है। और यहाँ से ये जो झील है मानसरोवर झील, वो बहुत ही नज़दीक है। यहाँ से कैलाश मानसरोवर झील मेरे ख्याल से आपको 15-20 किलोमीटर भी नहीं पड़ेंगे मेरे ख्याल से, हाँ 10 से 15 के बीच में। यही रास्ता है कैलाश मानसरोवर का। अब तो नितिन गडकरी ने रोड बना दिया है, बन रही है। पहले ये ऐसे पगडंडी था, लोग पैदल यात्रा करते थे कैलाश मानसरोवर के लिए। आगे मिलेगा आपको ओम पर्वत, उसके बाद आपको लेपुलेख दर्रा, उसके बाद क्रॉस करेंगे बॉर्डर, तब जाकर मानसरोवर झील, उसके बाद फिर कैलाश मानसरोवर। अभी मेरे सामने दिखाई नहीं दे रहा है, फॉग है, मौसम साफ नहीं है। नाग पर्वत है, नाग पर्वत जी। जय भोले की, जय भोले की। वो जो आप देख रहे हैं, वो जो रोड आ रही है, ये आप जैसे दिल्ली से चले तो आप आ जाइए हल्द्वानी, अल्मोड़ा, धारचूला, वो परमिशन लेकर के, गवर्नमेंट की परमिशन, जो गवर्नमेंट वाले लोग होते हैं कैलाश मानसरोवर जाने के लिए, वो धारचूला से गुंजी 70 किलोमीटर, उसके बाद ये ऐसे ऐसे रोड हैं, ऐसे ऐसे रोड, ये ऐसे ऐसे रोड, ऐसे ऐसे रोड, ये कैलाश मानसरोवर रोड है, कैलाश मानसरोवर। और ये लास्ट सिविलियन के लिए, यहाँ पे लास्ट गाड़ी रुकती है, इसके बाद फिर आर्मी का एरिया आता है। तो जो कैलाश मानसरोवर जाते हैं वो ऐसे परमिशन होती है, ऐसे ऐसे रोडे हैं, ये आर्मी का कैंप है। हमें ये देखें, ये जो घेरा घेरा गया है, ये घेरा जो है, मतलब इससे मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि इसके आगे ये पहाड़ है, इस दो पहाड़ के बाद चाइना, और इधर नेपाल, और मैं हूँ इधर इंडिया साइड में। अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ, यह है ओम पर्वत। आप ध्यान से देखिए, आज थोड़ा मौसम क्लियर नहीं है, ओम जैसे मैं दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा आराम से, ये मौसम क्लियर नहीं है, ऐसे 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 ये ओम है, दिखा रहा हूँ छोटा सा आपको, ओम ऐसे ये दिखा रहा हूँ, ओम चाबी से ऐसे ऐसे ओम, ऐसे ओम दिख गया आपको। मैं फ़ोटो में शेयर करूँगा, या मैं दो दिन स्टे करूँगा ताकि और क्लियर दिखाई दे। ओम जय भोले की, जय श्री कैलाश। कल मैं चला था धारचूला से, और गुंजी रुका, धारचूला से गुंजी 70 किलोमीटर है, गुंजी होम स्टे किया था मैंने, और गुंजी से मैं यहाँ आया हूँ ओम पर्वत देखने के लिए। और जो हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये पीछे ये चाइना है, बहुत नज़दीक यहाँ से चाइना है, लेपुलेख दर्रा ही बहुत नज़दीक है। मैं धारचूला से कल चला था देखने के लिए ओम पर्वत देखने के लिए चला था, और उसके बाद फिर मैं जाऊँगा देखने के लिए आदि कैलाश। तो अभी जिस स्थान पे मैं हूँ, ये तीन देश की सीमा लगती है। जो हमारे पीछे देख रहे हैं, ये है नेपाल, और पीछे चाइना, और ये रहा इंडिया। मेरे पीछे मैं अभी दिखाऊंगा ओम पर्वत, एक ऐसा जो हिमालय है, वो अफगानिस्तान से चलकर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान तक है। लेकिन एक ऐसे हमारे पीछे, ये देखें, आज थोड़ा मौसम क्लियर नहीं है, ये पीछे नेचुरल ओम लिखा हुआ एक पर्वत है,
तो ओम नाम, ओम ओम से बड़ा कोई नाम नहीं है इस दुनिया में। और पूरे हिमालय में तो बहुत बर्फ़ वाली पहाड़े हैं, लेकिन एक ऐसी पहाड़ है बर्फ़ वाली कि बर्फ़ वहीं गिरती है जिसका आकृति जो नाम हो वो ओम नाम लिखा जाए।